दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी, सारा जहां दीवाना मुट्ठी में दुनिया सारी, जोश है और जुनून है और जज्बा है चिंगारी। सुबह सुबह नाम हमारा, हम में भी कुछ बात है, जो ठान लिया वो कर जाना है, उसमें ही कुछ खास है। ख्वाबों को हकीकत के रंगों से सजाना है, हर रंगी हकीकत को फिर से पंख लगाना है। मंजिले पीछे हम है, आगे हमसे सारा जहां, जहाँ देखो अपना जलवा, हम दुनिया के बादशाह। दिलकश है अंदाज हमारा, यारों हम कमाल है, लोग मिसाले देते अपनी, हम तो बेमिसाल है। नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, आई नजर डालते हैं आज के खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय द्वारा सीएमएस डॉक्टर अमिता गर्ग के नेतृत्व में सफाई अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। सोमवार को जनपद मुजफ्फरनगर के जिला महिला चिकित्सालय द्वारा सीएमएस डॉक्टर अमिता गर्ग के नेतृत्व में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई स्वच्छ भारत योजना के तहत सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें नगर में एक रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। बता दें कि रैली के द्वारा लोगों को संदेश दिया गया कि अपने आसपास सफाई रखने से बढ़ती बीमारियों पर रोक लगाई जा सकती है और वातावरण को शुद्ध बनाने का कार्य किया जा सकता है, ताकि लोग बढ़ती बीमारियों की चपेट में आने से बच सके। रैली को अहिल्याबाई चौक, शिव चौक, मीनाक्षी चौक सहित शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। इस दौरान सीएमएस अमिता गर्ग, समस्त स्टाफ सहित अन्य कई लोग मौजूद रहे। ये ऐसा है कि देखिए, कांवड़ आ रहे हैं जी। और कांवड़ शिविर 15 दिन का है। अच्छा, उसके अलावा हमने बहुत बार, और बरसात आ रही है, बारिश हो गई है, तो लोग बाग इतने जागरूक नहीं है। और पहली चीज तो ये है कि स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते। अपना घर तो साफ कर लेंगे, लेकिन बगल में कूड़ा डाल देंगे। तो एक जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अस्पताल वाले चाहते हैं कि आप लोग अपने घरों में भी गंदगी ना करें, सड़कों पे गंदगी ना करें, कूड़ा कूड़ेदान में डालें। और इनको एक हमारी तरफ से प्रोग्राम भी रहेगा अभी कि नीला डब्बा और हरा डिब्बा वाला कूड़ा जो होता है, कि सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा अलग अलग डालें। और दूसरा है, पूरी जनता को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने मुजफ्फरनगर शहर को स्वच्छ शहर बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब इसकी स्वच्छ, जब उत्तर प्रदेश का शहरों में गणना हो, तो ये एक स्वच्छ शहर के नाम पे, यह है कि यदि मुजफ्फरनगर का नाम है तो सबसे पहले यह है कि स्वच्छता में अग्रणी है। ये मरीज के साथ तीमारदार आते हैं, ये कूड़ा तो बाहर डालते रहते हैं। इनको सिखाएंगे, सिखाते रहते हैं, टोकते रहते हैं और करते भी हैं वो, लेकिन क्योंकि इन सब चीज़ों को ये आदतें एक साथ तो नहीं जाती। अंग्रेजी में कहावत हैबिट, जिसको आदत बोलते हैं, हैबिट माने आप एच हटाइए तो बिट रिमेंस, ए हटाइए तो बिट रिमेंस, और जो है यदि आप कभी बी हटा दें तब भी इट रिमेंस, इंग्लिश में कहलाता है। तो जो आदतें बन चुकी हैं उनको, उनमें सुधार लाना जो है आवश्यक है, और यह हमारी कोशिश है। और मुझे अपनी जो मुजफ्फरनगर जिले की जनता है उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो जो है इन सफाई का जो हमने मुहिम छेड़ी है, इसमें हमारा साथ देंगे और इसे एक स्वच्छ शहर बना के ही रखेंगे। थोड़ा इस पे ध्यान दें मैडम, ये आते हैं तीमारदार, ये पान खा के दीवारों पर थूकते रहते हैं, अभी देख रहा हूँ मैं। हाँ, पान के लिए भी हमने करा हुआ है कि जुर्माना है, एक दो बार 200 रुपए जुर्माना भी लगाया है। फिर वो एक्चुअली गरीब इतने होते हैं तो उनके पास 200 रुपए भी नहीं होते हैं पान खा, लेकिन उनको जब समझाते हैं तो उस समय तो मतलब अपनी गलती मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें फिर ये है कि उनमें एक जागृति लानी होगी, खाली ये नहीं कि पान क्या बीड़ी भी है, बीड़ी पीना भी मना है यहाँ पे, तम्बाकू मुक्त जो है कार्यालय है ये, लेकिन तम्बाकू ये लोग मतलब उसका सेवन मना भी करा हुआ है। और मैं समझती हूँ धीरे धीरे सुधार तो आएगा ही आएगा। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल विकास खंड में पहुंचे पुरकाजी विधानसभा से भाजपा विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने जन समस्याएं सुनी।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल ब्लॉक परिसर में पुरकाजी विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने क्षेत्रवासियों की जन समस्याएं सुनी। वहीं ब्लॉक परिसर में हो रही गंदगी पर भी विधायक ने नाराजगी जताई। विधायक प्रमोद ऊंटवाल ने चरथावल ब्लॉक में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द ही समाधान करने के निर्देश दिए तथा ग्राम पंचायत में किए जा रहे विकास कार्यों की सचिवों से जानकारी ली। वहीं सचिव से संतोषजनक जवाब न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा लाभार्थियों को पहुंचना चाहिए। सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा काम न करने पर कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी। उन्होंने कहा कि पुरकाजी विधानसभा में आने वाले चारों ब्लॉकों में महीने के तीसरे सोमवार को जन समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण भी कराया जाएगा। वहीं चरथावल ब्लॉक में हो रही गंदगी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर और ब्लॉक की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी। आज चरथावल ब्लॉक में जितनी ब्लॉक से जुड़ी समस्या है, चाहे सफाई की हो, चाहे जमीन की हो, बिजली की हो, किसी भी प्रकार की समस्या, आवास की हो, पेंशन की हो, ये समस्या के बारे में मेरे विधानसभा में चार ब्लॉक पड़ते हैं, रुकाजी ब्लॉक, सदर ब्लॉक, चरथावल ब्लॉक, बगरा ब्लॉक। तो हर महीने की सोमवार की तारीख जो उनसे बढ़ेगी, हर सोमवार को ब्लॉक पे बैठे और लोगों की जन समस्या सुने करेंगे और उसका निस्तारण अधिकारी साथ में रहेंगे, उसका निस्तारण हाथ हाथ करेंगे जो छोटे समस्या, जैसे कि लेखपाल हो गए, सचिव हो गए, तहसीलदार हो गए, तहसीलदार भी आएंगे और अपना सिंचाई विभाग के अधिकारी हो गए, जो भी जनता से जुड़ी समस्या इन लोगों से अधिकारियों से है उस समस्या को निदान कराया करेंगे। और सप्ताह के अगले दिन जो समस्या जनता को देगी, बिजली की तारों में आएगी, उन अधिकारियों से पूछा जाएगा, उनकी जवाबदेही होगी कि ये काम क्यों नहीं हुआ। लोगों की बहुत शिकायतें आती हैं कि सचिव भी बिजली के जे यही फोन नहीं उठाते, जनता का जवाब नहीं देते। ये सब जनता के लिए हम लोग बैठेंगे और जनता की जोन से जुड़ी समस्या को अपने ब्लॉक से हल कराएंगे और जो उनसे बाहर की होंगी उन समस्या को हम अपने स्तर से करेंगे, कोई से विभाग से कराएं। अब जब ऐसा नहीं होगा कि अगर जोहड़ भरा पड़ा है गंदगी से, नाले गंदगी से, तो उसकी व्यवस्था, जैसे अभी बहुत शिकायतें आती है सफाई कर्मचारी नहीं मिलता, ये नहीं होता, तो उसको भी हम नज़र रखेंगे। और अब जा लापरवाही कतई किसी भी अधिकारी बर्दाश्त नहीं है, जवाबदेही देनी पड़ेगी सबको, क्योंकि हमें भी जवाब देना पड़ता है कि हम भी जनता को जवाबदेही हमारी भी है, तो हम भी अधिकारियों से जवाबदेही देंगे और कराएंगे। जनपद बहराइच में कांवड़िया पद यात्रा संघ द्वारा 29 जुलाई को जंगली नाथ व 5 अगस्त को बाबा घमंडी नाथ का जलाभिषेक किया जाएगा। अभी सावन शुरू होने ही वाला है कि बाबा भोले के दरबार में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त पूरे प्रकृति को शिव भक्ति के रंग में रंगने के लिए पूरे जोश में तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे जैसे सावन का महीना नजदीक आ रहा है, शिव भक्तों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 29 जुलाई को कांवड़िया संघ पद यात्रा द्वारा राप्ती नदी तट होलिया से नवाबगंज स्थित श्री बाबा मंगली नाथ धाम में भव्य जलाभिषेक किया जाएगा तथा भंडारे के उपरांत समापन किया जाएगा। पुनः दूसरा जलाभिषेक 5 अगस्त को वाहन द्वारा श्री बाबा मंगली नाथ धाम व श्री बाबा घमंडी नाथ धाम दोनों शिव मंदिर में भव्य जलाभिषेक किया जाएगा। आयोजक समिति व जलाभिषेक में मुख्य रूप से पिंटू गुप्ता, नवाबगंज उमेश गुप्ता, विजय जायसवाल, रामेश्वर जायसवाल, बेचेलाल सहित आदि मुख्य रूप से सम्मिलित रहेंगे। अभी सावन मास में जो कांवड़ियों की यात्रा होती है, जलाभिषेक होता है, इसके संबंध में एक बैठक की गई है और इसमें जानकारी में आया है कि दूसरे और तीसरे सोमवार को होलिया घाट से जल लेके मंगलीनाथ मंदिर पे और अली नगर के पास एक शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पे जलाभिषेक किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगा दिया गया है, पूरे थाने की पुलिस जुलूस के आगे पीछे दाहिने बाएं लगाई जाएगी और जो घाट पे जो व्यवस्थाएं करनी है वो व्यवस्थाएं प्रशासन के सहयोग से करके कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया। सर, पिछली बार दो कांवरिया नदी घाट पर डूब गए थे, उनके बचाव कार्य के लिए भी एम्बुलेंस और गोताखोर नाव की पिंटू भैया ने कहा, उसके बारे में क्या है? पिछली बार ये भी जानकारी में आई है कि कोई बंधा टूट जाने के कारण पूरा जो है प्रशासन का
रुख उधर हो गया था, जिसकी वजह से कुछ त्रुटियां रह गई थी। इस बार कांवड़ संघ के लोगों से वार्ता कर ली गई है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करा के ये पर्व को सकुशल संपन्न कराया। इस बार जो है, हमारा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं कांवड़िया संघ का यहाँ का अध्यक्ष हूँ और जिला उपाध्यक्ष हूँ। इस बार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राप्ती तटोलिया से जल लेकर बाबा भंगनीनाथ धाम व बाबा घमंडीनाथ धाम पे अर्पण करना है। आज इसी संबंध में पीस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय आए थे, और चूँकि पिछले साल कुछ गलतियों, प्रशासनिक गलतियों की वजह से घटना घट गई थी जिसमें हमारे दो कांवरिया डूब गए थे, जिस विषय पे पूर्ण रूप से चर्चा हुई है, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस बार उस तरह की कोई भी घटना पुनरावृत्ति ना होने पाए, इसके लिए हम लोग सजग हैं और पूरी तैयारी करेंगे तथा हर प्रकार से कांवरियों के सहयोग में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से रहेगा। कितनी संख्या कांवरियों की होगी और घाट पर एम्बुलेंस आए, यह व्यवस्था क्या व्यवस्था बताएं? कांवरियों की संख्या लगभग हमारे यहाँ 3000 से ऊपर होती है और घाट पे हमने एम्बुलेंस तथा गोताखोर के लिए कहा है, क्योंकि आज उपजिलाधिकारी महोदय आए नहीं हैं, तो क्षेत्राधिकारी महोदय ने कहा है कि ठीक है, हम उपजिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और घाट पे आपको एम्बुलेंस व गोताखोर की व्यवस्था कराएंगे। जनपद सहारनपुर के रायपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में कांवड़ यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर गांव रायपुर की प्राथमिक पाठशाला में पुलिस ने क्षेत्र के सम्मानित ग्रामीणों की बैठक आयोजित की, जिसमें कई गांवों के ग्राम प्रधानों व सम्मानित ग्रामीणों ने भाग लिया। रविवार को थाना मिर्जापुर क्षेत्र के गांव रायपुर में स्थित प्राथमिक पाठशाला परिसर में कांवड़ यात्रा को लेकर थाना प्रभारी प्रमेंद्र सिंह ने क्षेत्र के गाँव असदपुर, सहारपुर, रायपुर, महमूद, मजरा, रायपुर, आलमपुर, अमादपुर, खैरी ढाबा आदि कई गाँवों के ग्राम प्रधानों वे सम्मानित ग्रामीणों की बैठक आयोजित कर कहा कि हम सभी का दायित्व है कि रास्ते में किसी भी कांवड़ यात्री को कोई भी परेशानी ना हो, हो सके तो उनके लिए शिविर लगाए ताकि शिविरों में रुककर कांवड़ यात्री आराम कर सके। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले होटलों के स्वामी भी इस बात का ध्यान रखे कि कांवड़ियों की भावना किसी भी तरह से आहत ना हो और वह कांवड़ यात्रा के दौरान मीट आदि दुकानें बंद रखे। उन्होंने रास्ते में शिविर का आयोजन कर कांवड़ियों का स्वागत करने की भी अपील की। इस दौरान गांव रायपुर के प्रधान राव अब्दुल कादिर व अमादपुर के ग्राम प्रधान चौधरी मोहम्मद इनाम ने कहा कि हमारा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हिंदू व मुस्लिमों के बीच कोई भेदभाव या फर्क नहीं है और हम भी आपको विश्वास दिलाते हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़ यात्री को कोई परेशानी नहीं होगी और कांवड़ यात्रा हर वर्ष की भांति शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। बैठक में वही प्रधान, पूर्व प्रधान मतलूब राजेंद्र सैनी, शहजाद एडवोकेट, ग्राम प्रधान अर्जुन सैनी सहित आदि कई लोग मौजूद रहे। जनपद सहारनपुर के बादशाही बाग में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा सदस्यता अभियान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों सदस्य बनाए गए। जनपद सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के गांव बादशाही बाग में भाजपा हाईकमान के निर्देश पर पार्टी के पद अधिकारियों ने शनिवार को हिदायत की आवाज पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज खान व भाजपा के मंडल सड़ोली कदीम अध्यक्ष विजय सैनी के नेतृत्व में यह सदस्यता कैंप आयोजित हुआ। कैंप में करीब 200 महिला व पुरुषों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा के मंडल सड़ौली कदीम के अध्यक्ष विजय सैनी व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज खान ने जहां केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों, शोषितों के लिए चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी, वहीं भाजपा के मंडल सड़ौली कदीम अध्यक्ष विजय सैनी पार्टी सदस्यता ग्रहण करने की अपील की। कैंप में सफीपुर के प्रधान अशोक राणा, मंडल महामंत्री नीरज चौहान, रमेश कश्यप आदि सहित कई लोग मौजूद रहे। सहारनपुर के गांव घलोली स्थित झाल वाले बाबा के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मन्नतें मांगकर प्रसाद चढ़ाया।
सोमवार को सहारनपुर के गांव घलोली स्थित झाल वाले बाबा के मंदिर पर मेले का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने मन्नतें मांगकर प्रसाद चढ़ाया। बता दें कि ऐसी मान्यता है कि झाल वाले बाबा के मंदिर में श्रद्धालु जो भी मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूर्ण होती है और भारी मात्रा में दूर दराज से श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाने यहाँ आते हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर के मोहल्ला कमलियान में नाले के पानी की निकासी न होने के कारण बारिश होते ही सड़कें जलमग्न हो गई। बारिश होते ही मीरापुर के कमलियान में बारिश के पानी व नाले की गंदे पानी की निकासी के लिए प्राचीन कच्चा पक्का शिव मंदिर के निकट विशाल तालाब बना हुआ है। उक्त तालाब में कस्बे का अधिकांश गंदा पानी जाकर गिरता है, किंतु तालाब पर अवैध कब्जा होने के कारण तालाब का रकबा भी कम हो गया, जिससे यहां मामूली वर्षा के बाद कस्बे के घरों से निकलने वाला गंदा पानी मोहल्ला जाट कॉलोनी, दक्षिणी मुश्तक, नवाब पट्टी में मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर भर जाता है। किंतु अब हालात बदतर हो चुके हैं। वर्षा होने पर बारिश का पानी व नालियों का गंदा पानी कस्बे के मोहल्ला कमलियान में सड़कों पर कई कई फुट तक भर जाता है, जिससे भीड़भाड़ वाले इस मोहल्ले में स्थित दुकानों पर पहुंचने में भी व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं गंदे पानी की बदबू फैलने से मोहल्ले वासियों का जीना भी मुहाल हो गया है। नागरिकों के कई बार शिकायत के बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान न होने से मोहल्ले वासी काफी नाराज है। बारिश का पानी भरने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कासमपुरा में बारिश के कारण एक कच्चे मकान की छत धराशायी हो गई। मामला मीरापुर के कासमपुरा का है, जहां कासमपुर निवासी मास्टर सलाउद्दीन पुत्र रमजान का मकान बारिश में गिर गया। बता दें कि रात से हो रही लगातार बारिश से मकान गिर गया। मास्टर सलाउद्दीन ने बताया कि हमारा मकान कच्चा था जो बारिश में गिरा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में कई बार फार्म भी भरा, लेकिन आज तक मेरा मकान नहीं आया। अब हम घर से बेघर हो गए हैं। मेरा घर तो बारिश में गिर गया है और मेरे घर का सामान भी उसमें दब गया। अब मेरी प्रशासन से मांग है कि मुझे मुआवजा दिया जाए। बारिश होने पे ये मकान भी छत गिरी, सारी दोनों मकान सारा बैठ गया है। अच्छा, कितने दिन से? एक कार्य ये तो रात ही गिरे। अच्छा अच्छा, की बारिश में गिरे। आपने मकान अप्लाई नहीं किया? अप्लाई भी मकान अप्लाई भी करा, लेकिन प्रयास बहुत कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक पैसे तो रख नहीं आए। नुकसान बहुत काफी हो गया, सामान टूट गया काफी। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज क्षेत्र के टिकोला में बारिश होते ही गांव तालाब के रूप में तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने तालाब के पानी की निकासी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। बारिश के होते ही रामराज के टिकोला में घरों में पानी भर गया। तालाब के पानी की निकासी नहीं होने के चलते नालियों का गंदा पानी व बारिश के पानी से सड़कों पर कई कई फुट पानी भर गया, जिससे लोगों में आक्रोश बना हुआ है। बारिश होते ही रामराज के टिकोला में बारिश के पानी व नाले का गंदा पानी पानी की निकासी के सड़कों पर विशाल तालाब बना हुआ है। तालाब में कस्बे का अधिकांश गंदा पानी जाकर गिरता है, किंतु तालाब के पानी का निकासी न होने पर तालाब का रकबा भी कम हो गया, जिससे यहां मामूली वर्षा के बाद गांव के घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब हालात बदतर हो चुके हैं। वर्षा होने पर बारिश का पानी व नालियों का गंदा पानी गांव की सड़कों पर व घरों में भर जाता है, जिससे लोगों का घरों से निकलना दुर्लभ हो गया है। वहीं गंदे पानी की बदबू फैलने से गाँव वासियों का जीना भी मुहाल हो गया है। ग्राम वासियों के कई बार शिकायत के बावजूद भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्राम वासी काफी नाराज है। बारिश का पानी भरने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पानी से बहुत ही परेशान है। हमारे 5-7 घर चले गए तो हम भी चले जाएंगे जब हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा। हमारी जिठानी है बड़ी, हम कुल्ली टूटी पड़ी है इस पानी में गिर के। कितने दिन से मामला चल रहा है ये पानी का? पानी का 4-5 साल से चल रहा है, 8-9 साल ही हो जाएंगे। ऐसा वैसे समरसीलों का भरा जा, फिर बारिश आ जा तो हमारे घरों में भर जा। हम बहुत परेशान है, हमारे घर के चले गए बेचारे, हम भी चले जाएंगे। बस हम तो परेशान है इस पानी से, हम पानी से बगैर परेशान है। ये एक नलका है, सब बन जा रहे इसी पर से पानी पीते हो, पानी भर नहीं पा रहे। हम एक ही पानी में बर्तन धोयो जाओ, उसी में खायो जाओ, तो हमारी कोई जिंदगी तो। हम बहुत ही दुखी आ रहे हैं। आप तो आपने देख लिया है पानी कैसे भरा हुआ है। तकरीबन 6-7 साल से भरा हुआ है, इसकी कोई समस्या हल नहीं हो रही है। और DM SP जो भी यानी कि बड़े अधिकारी बहुत ही आ चुके हैं यहाँ पे, 10 क्षेत्र पे कॉल कर चुके हैं। हाल फिलहाल में
5-6 में लॉन्च किया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में अपने। तो कहना मतलब ये है कि बहुत ही देखने पा रहे हैं, आपने देख भी लिया होगा कि बहुत ही दुखी है इस पानी से। हम तकरीबन हमारे 10-12 घर हमारी जो काश के हैं बंजारा, यहाँ से घर छोड़ कर अपने चले गए हैं, कहीं और जाके बसने लगे हैं। कहने लगे कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो चुका है, हमारे बच्चे स्कूल जाने से, रहने खाने से, पीने से बहुत ही परेशान हो चुके हैं। ठीक है, अधिकारियों को आपने दे रखा है इसके बारे में? अधिकारी ऐसा कोई नहीं छोड़ा, DMSP CM हमारे प्रधान जो भी है इनकी, ऐसा कोई नहीं छोड़ा, इसके पास इसकी रिपोर्ट न गई हो। क्या कार्रवाई हुई? हालांकि कार्रवाई इसकी हुई थी, थोड़ा सा नाला खुदवाया था, उस पर आगे जाके कुछ यानी कि रोक लगाई गई गांव के द्वारा कि वो नाला आगे पूरा हो नहीं पाया। ठीक है, ये पानी जो कि तू भरा हुआ है, कम से कम पानी 1.5 फुट पानी खड़ा है पूरा, बहुत ही। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में PRV 2237 पर तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश शर्मा की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। मुजफ्फरनगर मीरापुर थाने की PRV 2237 पर तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश शर्मा की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 दिन के अवकाश पर घर आए थे उमेश शर्मा, गाजियाबाद स्थित आवास पर मौत हुई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। मामला मीरापुर थाने का है, जहां मीरापुर की PRV पर तैनात सब इंस्पेक्टर उमेश शर्मा जो 2 दिन का अवकाश लेकर घर आए थे, और उमेश शर्मा काफी बीमार चल रहे थे, अचानक से हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। उमेश शर्मा बहुत ही मेहनती व मिलनसार व्यक्ति थे। इस बारे में जब डायलहैंडर प्रभारी GC शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उमेश शर्मा मीरापुर थाने की PRV 2227 पर तैनात थे, विभागीय कार्रवाई करके उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हमारे PRV 2237 पर उप निरीक्षक श्री उमेश कुमार शर्मा नियुक्त थे दिन की ड्यूटी में, ये 2 दिन के 14 तारीख से 2 दिन के अवकाश पर गए हुए थे और हार्ट के पेशेंट थे। आज सुबह हार्ट अटैक से इनकी डेथ हो गई है, इनके परिजन शव को लेकर यहाँ पहुँच गए हैं और पंचनामा की कार्रवाई वगैरह करके नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जा रही है। ये घटना दुखद है, हमारे बीच में अब उमेश कुमार शर्मा जी नहीं रहे। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों घरों में नकदी और मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रविवार की सुबह कस्बे के मोहल्ला कोटला निवासी सेवाराम पुत्र राम स्वरूप अपने परिवार के साथ घर के आंगन में सोया हुआ था। इस दौरान कोई चोर छत के रास्ते उसके घर में घुस गया तथा घर के कमरे में रखे करीब 45,000 रुपए कीमत के 3 मोबाइल व 6,500 रुपए नकद चोरी कर लिए। इसके बाद चोरों ने सेवाराम के पड़ोस में ही रहने वाले उसके भतीजे मोनू पुत्र सतबीर के घर में घुसकर यहां से 1 मोबाइल व 2,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। इस दौरान जैसे ही चोरी करने के बाद चोर छत से नीचे कूदकर भागा, तभी परिजनों की आंख खुल गई तो उन्होंने चोरों का पीछा भी किया लेकिन चोर फरार हो गए। 3 दिन पहले थाने के समीप रहने वाले प्रदीप पुत्र मांगेराम व कस्बे के मोहल्ला मुश्तरक में भी चोरों ने इसी तरह घर की दीवार कूदकर मोबाइल व नकदी चोरी की थी। पिछले 3 दिन से लगातार हो रही इस तरह की चोरी की वारदात से नागरिकों में रोष व्याप्त है। जनपद बागपत के बड़का गांव में अपहृत युवती की बरामदगी की मांग को लेकर परिजनों ने SP कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया। बागपत के बड़का गांव से अपहृत नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर आज माता पिता SP बागपत से मिले। SP शैलेश पांडे को प्रार्थना पत्र सौंपकर बेटी की जल्द से जल्द बरामदगी की मांग को लेकर गुहार लगाने लगे। बड़का गांव से महीनों पहले अपहृत इस बेटी का पुलिस सुराग नहीं लगा पा रही है, जिस कारण माता पिता और पीड़ित परिवार परेशान है। आज दर्जनों की संख्या में परिजन SP ऑफिस पहुंचे और लड़की की बरामदगी व मामले में विवेचक को बदलने की मांग उठाई। आरोप है कि पुलिस मामले में लापरवाही बरत रही है, इस कारण महीनों बाद भी आज लड़की बरामद नहीं हो पाई है, जबकि परिजनों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवा रखा है। दरअसल मामला बड़ोद क्षेत्र का है, जहां से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। परिजनों ने पड़ोसियों और उनके रिश्तेदारों पर अपहरण करने का आरोप लगाकर तहरीर दी थी, लेकिन आरोप है कि न तो आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और न ही उनसे पूछताछ, जिस कारण नाबालिग को महीने बाद भी बरामद नहीं किया जा सका। इसी मांग को लेकर आज परिजनों ने SP ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ये सर हमारी लड़की का है, ये हमारी लड़की जो अभी इंटर की थी उसने
तो क्या नाम ले, अभी अपनी मासी के वहाँ पे गई थी, 8-7 रोज हुए थे उसको गए हो गए, तो वहाँ से हमारे गांव का ही लड़का एक किसान उसको लेके गए, तो वहाँ से क्या नाम ले उसको हमने बलैन थाने में उसको रिपोर्ट दर्ज कराई, वो 15 तारीख में गई है, हमने 19 तारीख को रिपोर्ट चढ़ाई है और अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या क्या बात एसपी से मिले, इससे एसपी साहब से मिले थे हम जी, तो वो कहने लगे अभी 8-10 दिन पहले मिले थे हम जी, वो कहने लगे भाई तुम्हारी लड़की 7 दिन में बरामद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा आ जाना, और अब भी टाइम दे दिया है उन्होंने ही। कितने दिन का टाइम? अब भी 4-5 दिन का टाइम दे दिया है उन्होंने ही। अभी तक कोई रिपोर्ट? अभी तक कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ इसमें। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र में लगभग 5 माह पहले 12 वर्षीय किशोर की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को चरथावल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी अभिषेक यादव के नेतृत्व में चरथावल थानाध्यक्ष सुबह सिंह यादव व उनकी टीम शानदार पुलिस कर रही है। चरथावल कस्बे में करीब 4.5 माह पहले 12 वर्षीय किशोर समीर की हत्या का रविवार को चरथावल पुलिस ने खुलासा कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि 4.5 माह पहले चरथावल कस्बा निवासी 12 वर्षीय समीर अचानक लापता हो गया था। अगले दिन समीर का शव गांव हकीमपुरा मार्ग पर ईंख के खेत में मिला था, जिसका पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। करीब 15 दिन पहले भी हत्या के खुलासे की मांग को लेकर राष्ट्रीय मुस्लिम सेवा मंच के पदाधिकारियों ने भी चरथावल थाने में धरना प्रदर्शन किया था। रविवार को चरथावल थाना अध्यक्ष सुबह सिंह यादव के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज सुनील कसाना, सिपाही राहुल त्यागी, सिपाही राजीव कुमार व संजीव कुमार आदि ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया। थाना अध्यक्ष सुबह सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रवेश उर्फ बंदर पुत्र भूरा मोहल्ला आलमनगर व शाकिर पुत्र इमरान हकीमपुरा रोड कस्बा चरथावल को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे गहनता से पूछताछ करने पर उक्त दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि समीर द्वारा गलत काम से रोकने व घर बताए जाने के डर से समीर की रात्रि में रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। चरथावल पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष सुबह सिंह यादव का यह एक और गुड वर्क है। जब से थानाध्यक्ष सुबह सिंह ने चरथावल थाने की कमान संभाली है, तब से एक से बढ़कर एक गुड वर्क कर रहे हैं। और फिलहाल वक्त हो चला है हलचल इंडिया में फटाफट खबरों का। दरअसल वारदात कोतवाली बागपत क्षेत्र की है, जहां 17 जून को सोनू नाम के एक टेम्पो चालक के साथ आंखों में मिर्ची डालकर 55,000 रुपए की लूट की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की गई तो पता चला कि 3 बाइक सवार लोगों ने उसके साथ लूट की है, जिसके बाद पता चला कि 3 बाइक सवार लोगों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है और एक मोबाइल भी लूट कर ले गए। सोनू जिस मालिक का सामान टेम्पो से लेकर जा रहा था, उसी मालिक के सामान की पेमेंट के 55,000 रुपए उसके पास थे, जिनको लूटा गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। इसी बीच एक दुकान में लूट की वारदात हुई, जिसमें पुलिस के सामने ड्राइवर सोनू का नाम सामने आया। जब आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया तो सोनू पर पहले भी कई मुकदमे बताए गए, जिस पर सोनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि 17 जून को जो लूट की वारदात हुई थी, तो उसे उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 5,000 रुपए देकर खुद ही लूट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके बताने पर उसके 4 दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया और लूट की कई वारदातों से पर्दा उठाया। पुलिस ने लूट के 20,000 रुपए समेत बाइक व सलाह भी बरामद कर सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर बागपत और इनकी टीम ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें मेन है सोनू पुत्र बोनी और विजेंदर, और इसके साथी हैं निशान, सूरज और उन्मेद। इन लोगों को चोरी के मतलब एक 17-6 को घटना हुई थी, 55,000 की लूट हुई थी। इसने स्वयं ही अपनी आंख में मिर्च बताया कि डाल दिया गया और साथ के आदमी से 55,000 रुपये लुटवा दिए थे। ये योजना इस ड्राइवर की ही थी, टेम्पो ड्राइवर है, तो इसमें के 20,000 रुपये बरामद हुए। और इन्होंने अलग अलग कई चोरियाँ कर रखी हैं, नया उभरता हुआ गैंग था इनका। सोनू तो पहले भी लूट के मुकदमे में जेल गया, अभी उसकी जानकारी और करा रहे हैं। इन लोगों से इस लूट के 20,000 रुपये, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फ़ोन इसमें जो गया था, और इनके पास से अवैध 2 तमंचे, 3 चाकू और एक जगह एक चोरी हुई थी इन्वर्टर बैटरी की, उसका ही मुकदमा लिखा है। लगभग 3 केस वर्कआउट हुए हैं कोतवाली बागपत के, इसी में लोग पकड़े गए हैं और ये जेल जा रहे हैं।
सर पकड़ा गया जो बदमाश है सोनू, उसका कहना है कि उस पर कर्जा था जिसके लिए उसने वारदात अंजाम दिया था। नहीं, अगर कर्जा था तो भाई, अब कर्जा है तो किसी को लूट थोड़ी लेंगे, ये तो अब गलत काम तो गलत काम है। क्या बताया सर उसने? नहीं, ये जो बता रहा है अभी तो हम लोग इसका और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये तो ये अपने बचाव के लिए भी हो सकता है बता रहा हो, ये तो विवेचना में पूरी बात करेंगे। लेकिन अगर ऐसा है भी तो कोई, अब कोई कोई अगर किसी का कर्जा लिया तो किसी से लूट थोड़ी करेगा, वो तो लूट लूट है, लूट में जेल जाएगा। शामली जनपद में दूल्हे की लाइव पिटाई का मामला सामने आया है। चोरी छिपे दूसरी शादी कर रहे दूल्हे की पहली पत्नी ने पिटाई की है। दूल्हे को पहली पत्नी ने घसीट घसीट कर पीटा। आरोप है कि आरोपी दूल्हा पहली पत्नी के चोरी छिपे दूसरी शादी रचा रहा था। आरोपी दूल्हे का नाम नवीन है। बताया जा रहा है कि नवीन ने पहली शादी मुजफ्फरनगर के इंदिरापुरम निवासी युवती से की थी जिसका नाम नेहा है। 30 अप्रैल 2015 में दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी, लेकिन नवीन शादी के 2 साल बीत जाने के बाद ससुरालियों से अतिरिक्त दहेज के मोहर रखने लगा और आए दिन पत्नी नेहा से मारपीट करता था, जिसके बाद से नवीन व नेहा अलग अलग रहने लगे थे। लेकिन आज पहली पत्नी नेहा को पता चला कि नवीन उसे छोड़कर दूसरी शादी रचा रहा है, जिसके बाद पत्नी नेहा अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंची और विवाह मंडप पर ही जमकर हंगामा किया। नेहा व उसके परिजनों ने पति नवीन को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही नेहा व उसके परिजन दूल्हे की जबरदस्त पिटाई करते रहे। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां पर आरोपी दूल्हे से पूछताछ की जा रही है। आरोपी नवीन शामली की धीमानपुरा निवासी लड़की से शादी रचाना चाहता है, जिसका नाम सोनिया है। हंगामे के बाद से ही दोस्त व रिश्तेदारों में गम का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और उक्त आरोपी पर कार्रवाई की बात कह रही है। मामला है सर, इसने दूसरी शादी करने की यहाँ पे आया है। मुजफ्फरनगर में मेरी शादी हुई थी और यहाँ पे दूसरी शादी कर रहा है। मेरा केस चल रहा है हाई कोर्ट में और जब भी वहाँ से फैसला हुआ नहीं, अभी पेंडिंग है बीच में, और यहाँ पे आके शादी कर रहा है, दूसरी लड़की की भी जिंदगी खराब कर रहा है। सर मेरी तो खरीदी इसने, नवीन धीमान मुजफ्फरनगर। देखो मेरा क्या हाल कर रखा है, देखो मेरे पापा के साथ कैसे बदतमीजी कर रखी है। सर मैं शादी रुकवाने के लिए आई हूँ। अभी ये संज्ञान में आया कि जो लड़का है, संभवतः उसका नाम प्रवीण है, उसने अपनी पत्नी से नेहा से तलाक ले लिया है और आज वो अपनी शादी कर रहा होगा। पूरी मैरिज तो उसमें पहली पत्नी आ गई, उन्होंने उनके परिवार वालों ने आपत्ति दर्ज की और दोनों पक्षों को महिला थाने भेज दिया गया। वहाँ महिला थाना अध्यक्ष जो है वो बात कर रही है और जो भी समझौते से जो निर्णय निकले वो आपको। सर पति द्वारा पत्नी पर मार पिटाई का मामला ही प्रकाश में आया, वीडियो वायरल है, सर इसमें क्या होगा? जैसे ही कार्रवाई रही, जैसे ही उसमें अपराध जो अगर कुछ पाया जाएगा तो पंजीकृत होगा और कार्रवाई की जाएगी, वैधानिक कार्रवाई। नगर के मोहल्ला चाहमंजली कोर्ट स्थित एक पुराने जर्जर मकान की दीवार अचानक भर भरा कर गिर पड़ी। इस कारण मोहल्ले की मस्जिद सहित आसपास के मकानों को भी बड़ा नुकसान हो सकता है और कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जिस कारण मोहल्ले वासियों में डर बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष भानु प्रताप मैफोर्स के साथ पहुँचे और गरीब मकान मालिक को मदद का भरोसा दिलाया। थाना अध्यक्ष के मौके पर पहुँचते ही मोहल्ले वासियों, समाज सेवी मास्टर शोक रजा, परवेज सलमानी, जब्बार सलमानी, शमीम राव द्वारा घटना की जानकारी डूडा विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिस पर जेई अंकित तोमर व जेई अमन कुमार भी मौके पर पहुंचे। मोहल्ले वासियों द्वारा डूडा जेई से मकान मालिक मोहन लाल पुत्र साहब दिता की आर्थिक स्थिति के बारे में अवगत कराया और मकान मालिक मोहन लाल की सरकार द्वारा जल्द से जल्द आर्थिक मदद करने की बात कही, जिस पर अमल करते हुए डूडा जेई द्वारा मकान मालिक को जरूरी कागजातों की पूर्ति करने को कहा गया व जल्द ही विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाने की बात कही। रैटोल गांव में शिव मंदिर में ग्रामीणों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शमशान घाट में शुरू हुए चार दीवारी के काम की सराहना की गई। बैठक में बोलते हुए मास्टर देवेंद्र अरोरा ने कहा कि पिछले कई वर्षों से शमशान घाट की चार दीवारी न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं शमशान घाट का क्षेत्रफल भी कम होता जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों के अनुरोध पर ग्राम प्रधान नसरीन जाकिर ने शमशान घाट की चार दीवारी का काम शुरू करा दिया है, जिसमें बैठक में नसरीन जाकिर द्वारा
द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की गई। बैठक में बोलते हुए डब्बू पत्रावल ने कहा कि रास्ते पर इंटरलॉकिंग टाइल का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है, जिससे ग्रामीण विकास कार्यों को लेकर खुश है। बैठक में सतबीर चौधरी, अम्बे प्रधान, ब्रजपाल गांधी, सुनील सत्वी, लाला मुकेश सहित आदि कई लोग मौजूद रहे। ललितपुर जिले के ग्राम सोरई मंडावरा से जहां उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जी तोड़ काम का दावा कर रही है, वहीं गुरु का दर्जा पाने वाले शिक्षक अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। विकासखंड मंडावरा के सोरई प्राथमिक विद्यालय क्रमांक 2 में छात्रों को पिछले 2 दिनों से नहीं मिल रहा है मिड डे मील आहार। शनिवार व सोमवार को विद्यालय में भोजन नहीं मिला व छात्र छात्राएं खाली बर्तन लिए विद्यालय में इधर उधर घूमते नजर आए। ग्रामीणों ने पूछा तो छात्रों ने साफ बता दिया कि 2 दिन से खाना नहीं मिल रहा है। अध्यापकों से जब इस बारे में पूछा गया तो आनाकानी कर रसोइयों से झगड़ते हुए नजर आए, साथ ही बच्चों को सच बोलने पर डांटते हुए अपनी जिम्मेदारी से रसोइयों और अध्यापकों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। क्यों नहीं बना? बच्चा बताओ। बागपत छतोली क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए दिन में अंधेरा छा गया। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से गलियों में काफी मात्रा में पानी जमा हो गया, जिससे कुछ मकानों में पानी घुस गया। बच्चों ने बारिश में नहाकर मौसम का लुत्फ उठाया। गांव सनोली में तालाब की साफ सफाई व अतिक्रमण के कारण घरों में पानी घुस जाता है, गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण गलियों में आने जाने के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाती है। वहीं दूसरी ओर किसानों का कहना है कि अब धान की रोपाई चल रही है, धान गन्ने की खेती के लिए यह बारिश वरदान साबित होगी। हलचल इंडिया में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हलचल इंडिया।